फेसबुक ने घोषणा की है कि वो यूजर्स और रेगुलेटर्स की बढ़ती चिंता के बीच अपने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने जा रहा है। फेसबुक, जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम अब मेटा हो गया है, उसने कहा है कि इस नए बदलाव को आने वाले हफ्तों में रोल आउट किया जाएगा। नए बदलाव के तहत कंपनी लोगों को फोटो और वीडियो में टैग करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल बंद कर देगी। साथ ही कंपनी लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले फेशियल रिकॉग्निशन टेम्पलेट को भी डिलीट कर देगी। कंपनी ने कहा कि इस नए बदलाव के तहत 1 अरब से ज्यादा लोगों के इंडिविजुअल फेशियल रिकॉग्निशन टेम्पलेट्स को डिलीट किया जाएगा। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि फेसबुक के डेली एक्टिव यूजर्स में से 1/3 से ज्यादा या 600 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। पोस्ट के मुताबिक फेसबुक अब फोटो या वीडियो में ऑटोमेटिकली लोगों के चेहरों को पहचान नहीं पाएगा। हालांकि इस नए बदलाव से ऑटोमेटिक ऑल टेक्स्ट टेक्नोलॉजी पर भी असर पड़ेगा। इसका इस्तेमाल कंपनी ब्लाइंड लोगों को इमेज डिस्क्राइब करने के लिए करती है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पर डिपेंड फेसबुक सर्विसेज को आने वाले हफ्तों में हटा दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि सोसाइटी में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लेकर कई चिंताएं हैं और रेगुलेटर्स अभी इसके यूज को कंट्रोल करने वाले नियमों का एक क्लियर देने के प्रोसेस में है।